दोस्तों वीडियो के एंड में आप देखें 24 आवर जनरल में सफर करने का जो कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस वो देखें। तो दोस्तों हम आ गए हैं रतलाम के रेलवे स्टेशन पे। ये बहुत बड़ा जंक्शन है, तो अभी हमारी जर्नी होने वाली है, मतलब रतलाम से जो जाने वाले हम अयोध्या, और ट्रेन होने वाली है 1967 जो कि होने वाली है वाराणसी साबरमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो इस ट्रेन का सफर करने वाले हैं और हमारा रहेगा जनरल कोच। जनरल कोच में पूरा सफर आपको बताएंगे, तो हमारे साथ पूरा जर्नी आप देखोगे कि जनरल में कैसे सफर होता है और अयोध्या तक जाएंगे। तो हमारी ट्रेन अभी थोड़ा सा लेट थी, अभी आने ही वाली है, तो हम रतलाम स्टेशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अभी घूम रहे हैं रात को, और अभी टाइम हो रहा है 3:30। और ये अभी क्या है कि अयोध्या बहुत ज़्यादा भीड़ जा रही है, पब्लिक जा रही है, तो क्या है थर्ड एसी स्लीपर ये अभी हो नहीं पा रहा है। तो हम ये जो सफ़र करने वाले हैं ये जनरल में, उन लोगों के लिए जो डर रहे हैं जनरल में सफ़र कैसे कर पाएंगे, तो पूरी जर्नी आपको बताएंगे कि जनरल में हम अयोध्या पहुँच के बताते हैं आपको। पांच पर साबरमती एक्सप्रेस से पहले ये 5 नंबर, तो ये ना हमारी ट्रेन आने वाली। तो आ गए हम जनरल डब्बे में, लोगों को जिस तरीके की भीड़ है दिखाओ। क्या पता जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, देखते हैं आगे, नहीं तो ये तो खाली होगी सही। जिस चीज का सबसे ज्यादा डर रहता है जनरल में वही हुआ, आ गए हैं टीटी सर। हमारे पास भी हमारी टिकट है कि नहीं देखता हूँ यार मैं। सर आ गए, सबकी टिकट चेक कर रहे हैं, और हमारी टिकट तो क्या है भैया के पास है, तो हम तो क्या है सेफ है, बाकी का मालूम नहीं, क्या पता उतार दे बाकी लोगों को। पाँच बजे के हम रतलाम में बैठे हुए हैं, टाइम हो रहा है 6:35 6:55 तो अभी 7 बजने वाली, और हम आ गए महाकाल की नगरी उज्जैन में। अब जाके हमें सीट मिली है, तो जनरल डब्बे का ये डिसएडवांटेज है कि यहाँ सीट आपको पहले ना लेनी पड़ेगी, वो कैसे भी लल्लुड़ा के लेनी पड़ेगी, और तब तक ही आपकी सीट होती है वो जब तक आप बैठे हो, जैसे आप उठ के गए वो दूसरे के हो गए। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप लंबा सफ़र कर रहे हो, वो भी जनरल में। तो दोस्तों सफ़र में शुरुआत हो गई है खाने की, समोसा। तो समोसा बहुत गर्म गर्म दिया है उन्होंने, तो गरम गरम समोसे को खा के ख़त्म करते हैं फटाफट। ट्रेन में आपको ये लोग बोर्ड नहीं होने देते, बताता हूँ। ओ जाने वाले जाने चला मिलेगा बढ़िया भैया, बोलो। ओ जाने वाले जाने चाने वाले जाने वाले। गाइस रात को सोए नहीं थे, आज दिन भर हो गया, इतना सो रहे नींद ही नींद आ रही है, कुछ भी आपको बताने लायक कुछ रिकॉर्ड ही नहीं करा मैंने। तो अब सोच रहा हूँ कि कुछ रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि आज साल का आखिरी दिन है 31 तारीख, और 1 तारीख को सुबह 5 बजे हम अयोध्या पहुँच जाएंगे, मतलब जो नया साल है वो अयोध्या में मनाएंगे। देख सकते हो बाहर का, जो भी चीज़ आएगी वो सब आपको मैं वीडियो से बताऊंगा। जो हमारा प्यारा सा वॉशरूम तो एक में रफ्तार देख रहे हो ट्रेन की, ठंड है भी तो सही। वाराणसी से चलकर अयोध्या, चलो अयोध्या, वो आ जाओ अयोध्या वाला, आ जाओ
हाँ जाओ जाओ ये दिया बाय। कहा बाय कर रहे हैं अभी से भैया, पानी आप भरने उतरे हैं। ललितपुर जंक्शन रात के बैठे थे हम 4:30-5 बजे और नींद ही नहीं आई थी। आज ये है 31st, पूरा दिन सोए, इतना तो साल भर भी नहीं सोए जितना आज 31st को सो गए। ये मैडम अलग चिल्ला रही है, क्या बता आपको मेरी आवाज आ रही होगी कि नहीं आ रही। बस सफर करो एंजॉय, अब आपको जो भी जगह आएगी वो सारी एक्सप्लोर करूंगा। ये ललितपुर जंक्शन, आपको लखनऊ दिखाऊंगा है ना, लखनऊ आएगा रात को तो लखनऊ आपको बताऊंगा, और जो भी बीच में जगह आएगी सारी बताऊंगा। मालगाड़ी इसमें जाओ यार, इसमें मजा है। बहुत लंबा सफर है अयोध्या का। बैठे थे? नहीं नहीं, हम रतलाम से बैठे हैं। ये कौन सी ट्रेन यार, ये पंजाब मेल एक्सप्रेस लाइव डे से छूटी है। हमने ले लिए चना, टेस्ट करके बताओ कैसे हैं। वैसे ट्रेन की सारी चीज़ें अच्छी लगती है यार, 10-15 रुपए में आप क्या ही ले लोगे यार, इतना सही लग रहा है। टेस्ट में भी है मस्त, नींबू डाल के ऐसा आपको हर 5 मिनट में खाने की चीज़ें मिल जाएगी ट्रेन में। खाते खाते सफ़र को एंजॉय करो, ये खासियत है। तो ऐसे लूडो खेल के भी आप सफ़र में टाइम पास कर सकते हैं। घड़ी में बज गए 11 और अब हम आ गए हैं कानपुर सेंट्रल, जो कि बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, देख सकते हो आप। गाड़ी आ चुकी है कानपुर सेंट्रल। अभी भीड़ चढ़ने वाली अंदर, जैसे अभी तक तो थी जगह पर, अब भैया जा रहे हैं। बस भैया इतना ही सफर। कहाँ से बैठे थे आप, कहाँ से बैठे थे आप? अहमदाबाद से। बहुत लंबा सफर है तुम्हारा। फटाफट से चलते हैं, ट्रेन ना निकल जाए। ये अपनी ट्रेन रेलवे स्टेशन कानपुर सेंट्रल। कृपया ध्यान दीजिए। तो लीजिए आ गया हूँ मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और ये शहर जाना जाता है नवाबी के लिए, नवाबों का शहर उत्तर प्रदेश का लखनऊ। तो अभी लखनऊ का रेलवे स्टेशन देखिए, टाइम हो रहा है अभी 1 बज के ऊपर हो गए हैं, तो 1 बजे भी देख लो आप, इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। वैसे मैं भी अपने घर का नवाब हूँ, छोटा बेटा हूँ, पर ये अलग नवाब है, लखनऊ है। तो लखनऊ से निकलते हैं, फिर आपको अयोध्या ले जाते हैं। देखो गोल्ड भी बिकने लग गया अब ट्रेन में। उत्तर प्रदेश बोलते हैं यहाँ, गोल्ड भी बिक रहा है। ये देखो ना, आप खरीदते होंगे गोल्ड की शॉप पे, 50,000-60,000 गोल्ड का रेट बहुत गिर गया है यहाँ पे। देखो 10-10 रुपये में, 10-10 रुपये देख रहे हो आप, अमीरी देख रहे हो लखनऊ की। दोस्तों हम आ चुके हैं अयोध्या कैंट, अयोध्या छावनी। ये रेलवे स्टेशन अयोध्या जंक्शन से, अयोध्या धाम जंक्शन से ठीक पहले आता है। मतलब आपको यहाँ नहीं उतरना है, आपको अयोध्या धाम जंक्शन ही उतरना है। तो ये पहले आता है, तो आप गलती से भी यहाँ मत उतरिएगा।
फाइनली आता है अयोध्या। तो आ चुके हैं अयोध्या। तो सबसे पहले हम आपको पूरा रेलवे स्टेशन का ही बताएंगे, वो इसके आगे वाली वीडियो में आएगा। तो अभी तक आपने हमारी जर्नी देखी जो कि रतलाम से हमने स्टार्ट करी थी, जो कि अयोध्या में आके ख़त्म हुई है। तो हमने सफ़र किया था इस सेकेंड क्लास में, यही डब्बा है जो हम पूरा रतलाम से यहाँ तक आए। इतनी बड़ी जर्नी, एक दिन हो गया पूरा। देखो तो हमें आते ही अयोध्या नगरी में हनुमान जी बहने आ गए थे। जय श्री राम। तो ट्रेन जा रही है साबरमती एक्सप्रेस अयोध्या नगरी से आउट, जिसमें हम अभी आए हैं। अब हम वहाँ पे फोटो लेंगे बैनर के, वहाँ पे भैया और हम। 5:30 बजे, क्या ठंड है अयोध्या नगरी। बाय बाय करते हैं इस ट्रेन को। इसी के साथ इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो रेलवे स्टेशन की आएगी और अयोध्या मंदिर की आएगी, राम मंदिर की पूरी। तो वो भी आप देखिएगा ज़रूर, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों को। जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों जो ये 24 घंटे से ज़्यादा समय की जर्नी है, ये मैं उन लोगों के लिए रिकमेंड करूँगा जो कि सोलो ट्रेवलर है, और उनको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा जो फैमिली के साथ जाना चाहते हैं। मतलब आप जनरल का मतलब जाना ही नहीं है ऐसा है। अगर आप सोलो हो फिर भी आप रिजर्वेशन में जाइएगा, सोलो ट्रेवलर हो फिर भी रिजर्वेशन में जाइएगा, पर अगर जिसका बजट बहुत ज़्यादा ही कम है तो आप इसमें जा सकते हैं। जय जय श्री राम।